हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। और इस वीडियो में बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M30S के बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको चार्जिंग टाइम कितना है अपडेट के बाद वो भी बताऊंगा। तो जो लास्ट अपडेट का बिल नंबर था जिसका मैंने वीडियो बनाया था वो था ASI2। मैं यहाँ पर अल्फाबेट और डिजिट्स को मिला के बोल रहा हूँ, लास्ट 4 डिजिट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने कहा था रिव्यू वीडियो में कि मैं आपको बैटरी परफॉर्मेंस कैसी है बताऊंगा। 16000 mAh बैटरी को जिस तरह से परफॉर्म करना चाहिए, क्या आपका सैमसंग गैलेक्सी M30S वैसे ही परफॉर्म कर रहा है? मुझे नहीं लगता है। मेरे डिवाइस में यहाँ पर मुझे बैटरी बैकअप बिल्कुल भी अच्छी नहीं मिल रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा यहाँ पर यूजेज जो है हर एक ऐप में। मैं पबजी भी बहुत ज़्यादा नहीं खेला हूँ, मैं पूरे दिन पबजी बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं खेलता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कितना यहाँ पर जो है पबजी वगैरह खेला है। और यहाँ पर जो स्क्रीन ऑन टाइम यहाँ पर मिल रही है, हालांकि यहाँ पर 1 day 16 hours का आपको दिखा रहा है विदाउट पबजी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप हेवी पबजी और सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियोस वगैरह देखते हैं, मैं यूट्यूब में ज़्यादा जो है रहता हूँ तो उसे छोड़ के मेरा हेवी यूजेस उतना ज़्यादा नहीं है इस डिवाइस में। फिर भी मुझे यहाँ पर एक दिन से थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप पबजी खेलते हो तो मुझे नहीं लगता आपको पूरा दिन का जो है यहाँ पर बैटरी बैकअप मिलना पॉसिबल होगा। और पहली बार अगर आप आए हो हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह से सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को दबाओ, ऑल करो, सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो वैसे बैटरी बैकअप तो यहाँ पर बढ़िया नहीं है, लेकिन देखते हैं चार्जिंग टाइम कैसी है, कितना टाइम लगेगा आपको इस डिवाइस को फुल चार्ज करने में। तो हमारा डिवाइस यहाँ पर एकदम, हमने यहाँ पर बैटरी को 0% पे रखा है, यहाँ पर टोटल ड्रेन कर दिया। 0% पे भी जो है फ़ोन ऑन हो रहा था। हमने यहाँ पर स्टॉक चार्जर यूज़ किया जो कि 15W का यहाँ पर फास्ट चार्जर है। तो 0% आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसे हम यहाँ पर जो चार्जर को कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर जो टाइमर है उसे ऑन कर देंगे, और यहाँ पर मैं आधा घंटा, एक घंटा, फिर 2 घंटा और फिर फाइनल कितना 100% होने में चार्ज लगता है वो आपको बताऊँगा। तो हमने यहाँ पर जो है स्टार्ट कर दी है। तो बड़ी बैटरी है, आप शायद यहाँ पर ओवरनाइट इसे चार्ज करोगे तो यहाँ पर जो है 32 मिनट्स के बाद यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं, मैं सामने लेके आता हूँ, यहाँ पर 23% चार्ज हुई है। आधा घंटा अगर बहुत जल्दी में हो तो यहाँ पर आधा घंटे में आपको 23% का ही जूस मिलेगा। एक घंटे बाद यहाँ पर देख लेंगे कितना होता है। एक घंटे में आपको यहाँ पर लगभग 42% का यहाँ पर जूस देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर अगर चार्जिंग रेट की बात करें तो यहाँ पर एक मिनट में आपको 1% से भी कम चार्ज होता हुआ दिखेगा। और जो चार्जिंग रेट है वो स्टेडी है कि नहीं वो भी देखना यहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है आखिर में जाके 90% के बाद जाके जो चार्जिंग रेट है वो और भी स्लो हो जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं, 2 घंटे हमें हो चुके हैं यहाँ पर। 2 घंटे बाद आपको जितना यहाँ पर जूस देखने के लिए मिलेगा वो है लगभग, यहाँ पर हमारा डिवाइस जो है 77% चार्ज हो चुका है। तो 2 घंटे में लगभग आपको 77% जूस मिल जाएगा, जो कि शायद इनफ नहीं होगा पूरे दिन के लिए, लेकिन फिर भी आपका जो है काम चल जाएगा। और फिर से हम देखेंगे यहाँ पर आखिर में 90% के बाद जो चार्जिंग रेट है बहुत ज़्यादा स्लो होती है कि नहीं। तो 2 घंटे में 77% चार्ज हो चुका है। और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 93% चार्ज है 2 घंटे 30 मिनट बाद। तो यहाँ पर जो अगर आप कैलकुलेशन करो तो यहाँ पर जो होता है 17%, यहाँ पर 20%, तो आधे घंटे में फिर 20% हुआ। तो थोड़ा सा स्लो हुआ है चार्जिंग रेट। और फाइनली यहाँ पर 2 hours 43 minutes हो चुके हैं, हमारा डिवाइस यहाँ पर 99% पे जो है पहुँच चुका है। और यहाँ पर फाइनली देख लेंगे 100% कब होता है। वैसे 100% करने की आपको ज़रूरत नहीं है, 90% पे ही छोड़ सकते हो, लेकिन अगर ओवरनाइट चार्ज कर रहे हो, क्योंकि बड़ी बैटरी है ओवरनाइट ही चार्ज करोगे ज़्यादा, तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर जो है प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लेकिन बैटरी की हेल्थ के लिए 90% से ज़्यादा चार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और चार्जिंग शुरू भी होनी चाहिए 20% के बाद से, 0% करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 hours 45 minutes में यहाँ पर फाइनली हमारा जो डिवाइस है फुल्ली चार्ज्ड हो जाता है। तो ये था चार्जिंग रेट आफ्टर अपडेट। तो जैसा कि मैंने कहा था अपडेट का यहाँ पर ये फॉलोअप मैं करूँगा, तो मैंने यहाँ पर कर दिया है। मुझे यहाँ पर जो बैटरी लाइफ है वो बिल्कुल भी जो है पसंद नहीं आ रही है, मुझे एक्सपेक्टेशन और भी ज़्यादा था। आपको क्या था, आपकी बैटरी लाइफ कैसी है कमेंट्स में आप बता सकते हैं। इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक देखते रहिए।